हेलो दोस्तों, आज हम जानना चाहेंगे ईजीआर कूलेंट लीकेज होने से कैसे उसको चेंज करते हैं। देखिए, पहले कूलेंट को रन कर देना है, सब काम है यहाँ, रन कर सकते हो। फिर उसके बाद वो पाइप लगा रहता है ईजीआर के बगल में से होके साइलेंसर पर आता है, पाइप को निकाल देना है। बोल निकाल दिया, पाइप को भी निकाल दिया। फिर देखो, फिर हम क्या करेंगे, देखो कितना कितना ऑयल लीकेज हो रहा है अंदर से, काला हो गया है। अंदर का जो बोल लगा रहता है 10 नंबर का, चार पे बोल लगा हुआ है, उसको निकाल देंगे। देखो चार तो बोल है, उसको हम निकालेंगे। निकालने के बाद देखो हो गया, वो पाइप भी निकाल देना है हमको। पाइप निकल गया, नीचे का भी जो रहता है पाइप उसको भी निकल देना है। निकालने के बाद वो कूलेंट रहता है ना पाइप में, वो सब ड्रेन हो गया। देखो सब कूलेंट ड्रेन हो गया। ड्रेन होने के बाद हमको निकालना है ईजीआर कूलेंट। देखो कम्प्लीटली बाहर आएगा, आप नीचे से भी निकाल सकते हो, ऊपर से भी निकाल सकते हो। आराम से निकालना, थोड़ा दिक्कत होती है। ये निकल गया, निकलने के बाद बाहर गया है, काला हो गया है लीकेज होके, पूरा ऑयली ऑयली हो गया है, जैसे दिख रहा है। कूलेंट लीकेज होके कैसे दिख रहा है। हम क्या करेंगे, जो वाल्व रहता रहता ना कूलेंट, वो बोल्ट को खोल देना है। दोनों बोल्ट लगा हुआ है, खुल गया। ईजीआर बाहर अलग हो गया और ये ईजीआर कूलर। देखो ये लीकेज होकर कैसे दिख रहा है। देखो ये अभी देखेंगे, देखो कैसे हो गया है। अभी उसको हम साफ करेंगे, अच्छे से साफ करना उसको। देखो ये ईजीआर कूलर है नया वाला। देखो ये है नया वाला ईजीआर कूलर, ये छोटा वाला अभी कंपनी दे रहा है, ये ज़्यादातर लीकेज नहीं होता। देखो ये पाइप है नया वाला। देखो अब हम इसको कैसे लगाएंगे, वाशर देने के बाद इसको सही तरीके से लगा के बोल्ट टाइट करना है हमको। वाशर सही से लगाना, नहीं तो लीकेज हो सकता है। देखो बोल्ट को टाइट कर देना है, फुल टाइट मार देना बोल्ट को। हो गया फुल टाइट, अब हम लगाएंगे उसके अंदर। देखो वहाँ पे भी पैकिंग रहता है, वो पैकिंग चेक करना है, अगर फटा हुआ है तो नया वाला डाल देना। देखो ऊपर से ही हम लगा रहे हैं, नीचे से भी लगा सकते हो, आपको जहाँ से सुविधा होता है वहाँ से लगा सकते हो। देखो ये पाइप को लगाना, या पिलर के पाइप को अच्छे से, पाइप लग गया। फिर हम जो बोल्ट लगाएंगे, चार ठो बोल्ट जो 10 नंबर खुले थे ना, उसको हम लगाएंगे। पहले चार ठो बोल्ट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगाना धीरे धीरे। तरफ हो गया, फिर हमको वो क्लैंप लगा हुआ था ना, वो पाइप जाने से, मतलब वो पाइप को भी, पाइप की जो क्लैंप रहता है उसको भी टाइट कर देना है। हो गया, देखो वो यार पिलर भी हम थोड़ा निकलने के लिए खुले थे, वो भी हमने टाइट कर दिया। और इनको सही तरीके से रखना, आराम से देखना, धीरे धीरे लगाना, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया। अब हम पाइप लगाएंगे, तो साइलेंसर से होके जाता है ना एयर कूलर में, वही पाइप हम लगाएंगे। देखो अच्छे से देखो, हो गया। जो अंदर का पाइप होता है ना कूलेंट पाइप, उसको लगाएंगे। वो अंदर लगा हुआ था ना, नीचे नीचे से होके लगाना, वो लग गया नीचे का। नहीं लगेगा वो, उसको प्लास से करके लॉक करना होता है। लॉक हो गया। लॉक होने के बाद वो पाइप ला के लगाना, वो वाशर सही तरीके से लगाना। तो बड़ा वाला वाशर जो रहता है ना, वो जर कूलर के पास रहता है। देखो वाशर दे के नट लगाना है, बोल्ट, दोनों बोल्ट, 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ होता है, वो लगाना है। ऊपर का भी लगा देना, ऊपर वाला जो छोटा वाला वाशर रहता है, नीचे वाला बड़ा वाला वाशर। टाइट करने के बाद हम स्टार्ट किए गाड़ी को। ओके थैंक यू, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना, शेयर बहुत 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 शेयर करना। थैंक यू।